Hey guys, welcome back to my channel once again. This is Shivangi. कैसे हो आप सभी? I really hope आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे. So guys, आज है Saturday और आज मैं थोड़ा सा free हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बंजारा मार्केट, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, तो ऐसे में बंजारा मार्केट का एक टूर तो बनता है ना. सो गाइज, चलिए इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं बंजारा मार्केट का लेटेस्ट कलेक्शन और क्या क्या लेके आऊंगी वो सब भी शेयर करूंगी. सो स्टे ट्यून. इन केस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. तो गाइज, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे और मैं अपना पर्स ले लेती हूँ. तो चलिए. सो गाइज, चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बंजारा मार्केट पहुंच के. टाटा. सो गाइज, एज ऑलवेज गूगल मैप्स में हमने लोकेशन लगाई बंजारा मार्केट ऑफिशियल घाटा विलेज एंड हम उस रूट को फॉलो करते हुए जा रहे थे यहाँ से साइबर हब से होते हुए बंजारा मार्केट की तलाश में. एंड देन क्या हुआ हमारे साथ वहाँ जाके मैं आपको बताती हूँ. जब हम पहुँचे बंजारा मार्केट ऑफिशियल तो हमने देखा कि जहाँ पर मार्केट हुआ करती थी वहाँ पर अब कुछ भी नहीं रहा है, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है एंड अगेन ये मार्केट जो है शिफ्ट होके 58 सेक्टर शिफ्ट हो चुकी है. सो हम लोगों ने यू टर्न लिया वहाँ से एंड जैसे ही हमने यू टर्न लिया तो रेड लाइट के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी बंजारा मार्केट हमें देखने को मिली. तो हमने सोचा कि पहले यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं देन चलेंगे सेक्टर 58. तो गाइज़, अगर आप भी घाटा विलेज वाली मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ मत जाइए, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. एंड ये वाले जो मार्केट है इसके जस्ट अपोजिट में ये बिल्डिंग है. फॉर रेफरेंस मैं बता रही हूँ आपको, स्प्लेंडर की बिल्डिंग है, उसके जस्ट अपोजिट में ये एक बहुत बड़ी बंजारा मार्केट हमें देखने को मिली एंड कलेक्शन भी बहुत अच्छा था इनका. फेस्टिवल एडिशन यहाँ पर लेटेस्ट आया हुआ है. तो गाइज़, चलिए बढ़ते हैं व्लॉग में आगे और मैं आपको यहाँ का कलेक्शन दिखाती हूँ एक एक करके. सो गाइज, फेस्टिव एडिशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा आया हुआ है. जैसे कि दिवाली आने वाली है तो यहाँ पे लोग भी इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के आपको एलिफेंट्स, शोपीस और ये जो आउल वाला है आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में मिल रहा है, तो ये बहुत प्यारे प्यारे पीसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं और इनकी कॉस्टिंग रहती है अराउंड 300 रुपीज़ टू 400 रुपीज़. यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी प्यारी प्यारी उर्ली मिल रही हैं. इनके प्राइस भी ये बोलते तो है 1000 टू 1200 रुपीज़, बट आप ये ना यहाँ से आराम से 700-600 में आप लेके आ सकते हैं और काफ़ी अच्छी रहती हैं. और कैंडल लाइट होल्डर्स की तो वहाँ पे एकदम भरमार आई हुई है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स वहाँ पर मिल रहे हैं. फेस्टिवल्स में अपने घर को डेकोरेट करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं ना तो आप बंजारा मार्केट विज़िट कर सकते हैं. उसके अलावा सिरामिक्स की रेंज तो यहाँ पे बहुत ही अनलिमिटेड अवेलेबल रहती है. हर बार मैं आती हूँ और कुछ ना कुछ सिरामिक्स में ज़रूर लेके जाती हूँ. यहाँ पे देख सकते हैं वॉल हैंगिंग्स कितने सुंदर ये हैं, मिल रहे हैं पिंक, ब्लू एंड वाइट. सो ये तीन का सेट था अराउंड 800 रुपीज़ ये बोल रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था. इसके नीचे देख सकते हैं छोटे छोटे स्टूल्स रखे हुए हैं, तो इनको एज साइड टेबल आप यूज़ कर सकते हो. लैम्प्स भी यहाँ पे काफ़ी वैरायटी में मिलते हैं. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप फेस्टिवल डेकोरेशन एंड गिफ्टिंग के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी आइटम्स आई हुई हैं. लाइक किसी को आपने स्टैचूज गिफ्ट करने हो, किसी को बुद्धास पसंद हो तो यहाँ से लेके आप गिफ्ट कर सकते हैं. देन यहाँ पे फुल लेंथ मिरर्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं. लाइक किसी को अपने घर में रखने का शौक होता है ना फुल लेंथ मिरर्स, तो वो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे वाइड रेंज में मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स में मिल जाएंगे. इसका प्राइस इन्होंने मुझे बोला 4500, बट 4500 तो काफ़ी ज़्यादा है, बट मुझे अगर ये लेना होगा ना तो मैं 2000 रुपीज़ या 2500 से ज़्यादा मैं नहीं लूँगी यहाँ से. देन यहाँ पे उर्ली के स्टाइल देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे गोल्ड टच में मिल रहे हैं. ये वाली जो शॉप है इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिली, काफ़ी क्लासिकल टाइप की चीज़ें थी यहाँ पे. एंड देन यहाँ पे कैंडल लाइट होल्डर्स थे. सो गाइस, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह के रग्स मिल जाएंगे, डोर मैट्स मिल जाएंगे, कुशंस मिल जाएंगे. ये देख सकते हैं ये वाला जो पेयर था ये ओनली 300 रुपीज़ के दो कुशंस थे, तो काफ़ी रीजनेबल रेंज है. देन इस तरह के टी लाइट होल्डर्स, ये तो बहुत ट्रेंडिंग में है बिकॉज अभी फेस्टिवल सीजन है ना. देन यहाँ पे अपने गार्डन डेकोर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये वाटरिंग कैंस, एज अ शोपीस भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो ये वाली जो थी 400 रुपीज़ में मिल रही थी. सो ये देखिए हमने इसके बाद आगे सिरामिक्स की तो आपको दोनों साइड में काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स मिल जाएंगी लेफ्ट एंड राइट साइड्स में. देन यहाँ पे अगेन रग्स आ जाते हैं, डोर मैट्स आ जाते हैं,
और सोफ़ा थ्रो आ जाते हैं, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इट्स अप टू योर इमेजिनेशन कि आप अपने घर में क्या चीज़ कहाँ लगाना चाहते हैं। देन यहाँ पे इस तरह के ग्लोब्स और बहुत ही प्यारे प्यारे ना शोपीस वाले आर्टिकल्स मिल जाते हैं। वॉल हैंगिंग्स भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पे। इस तरह के सेंटर टेबल्स मिल जाएंगे, साइड टेबल्स मिल जाएंगे आपको, और उर्ली का एक और डिज़ाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं मार्केट में आगे और दिखाती हूँ आपको क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे इस तरह के ना बॉर्डर्स मिल रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल। अगेन आप वॉल हैंगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या अपने गार्डन डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये वाली जो शॉप है इसमें मुझे ये वाज का सेट काफ़ी पसंद आया। ऑल्दो ये इसका प्राइस बोल रहे थे अराउंड 3000 रुपीज़, वो थोड़ा ज़्यादा था, बट ये ऐसे ही करते हैं यहाँ पे ना थोड़ा रेट ज़्यादा करके बताते हैं, बिकॉज इनको भी पता है कि जो भी कस्टमर्स हैं वो सब बार्गेन करने वाले हैं। तो ये वाला जो है इसका प्राइस 3000 से इन्होंने फिर बाद में बोलते बोलते कर दिया था 2000 रुपीज़ का सेट ऑफ टू। तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, हैवी थे ये। देन यहाँ पे अंदर मैंने सोचा कि कुछ एक्सप्लोर करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे ग्लोब्स इन्होंने दिखाए। ये ग्लोब्स के प्राइस थे अराउंड 500 रुपीज़, तो काफ़ी अच्छे इस तरह के पीस भी अगर आप अपने शोकेस में लगाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये भी हमें पसंद आए थे। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक और क्रॉकरी शॉप दिखाई देती है। सो यहाँ पे इस तरह की आपको ब्यूटीफुल सी सिरामिक क्रॉकरी मिलने वाली है जिसको आप एज़ पर योर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे प्लांटर्स भी मिल जाते हैं जो कि अराउंड ऐसे रहते हैं 1200 का सेट ऑफ थ्री, तो इस तरह की भी काफ़ी अच्छी अच्छी रेंज आपको मिल जाएगी। देन अगेन यहाँ पे कैंडल लाइट होल्डर्स की भी भरमार आपको मिलेगी बिकॉज फेस्टिवल सीजन है, तो ये सभी मिलना है आजकल। देन यहाँ पे इस तरह के वॉल हैंगिंग्स मिल जाएंगे रेड कलर के। सो यहाँ पे टी लाइट होल्डर्स, उर्लीज भी बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, तो काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन यहाँ पे आई हुई है और लोग भी बहुत अच्छे से मतलब खुश होकर यहाँ से शॉपिंग करके जा रहे थे बिकॉज सबको अपने अपने घर को सजाना है दिवाली नवरात्रि के लिए। देन यहाँ पे आपको मग्स का अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, कप्स का अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, और ये है जो ये एक वॉल हैंगिंग है जिसमें सेट ऑफ 5 फ्रेम्स हैं, तो इनको आप ब्यूटीफुली अपने घर में जैसे चाहते हैं वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। सॉरी सेट ऑफ 4 है ये, इसका प्राइस है 800 रुपीज़, तो काफ़ी अच्छा था ये वाला भी। देन यहाँ पे एक सेट ऑफ 2 चेयर्स मिल रहा था जिसके साथ वो टेबल देख सकते हैं आप, राउंड वाली टेबल मिल रही थी, इसका प्राइस ही बोल रहे थे अराउंड 4000 रुपीज़, जो कि वैसे थोड़ा ज़्यादा है बट 2500 तक ठीक है, ये 2500 तक में आप ले सकते हो। सो ये सेट ऑफ चेयर्स प्लस टेबल मिल रहा था। देन यहाँ पे मैं देख रही थी और क्या क्या मिल रहा है गार्डन डेकोरेशन के लिए, तो यहाँ पे मुझे ये वाला लैम्प काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइज इस शॉप में आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक कलेक्शन दिखाई दे रहा है, और इस तरह का जो ये मिरर है डबल वाला डबल फ्रेम, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसका प्राइस था 1500 रुपीज़, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। ये मैं अपने घर के कॉर्नर के लिए देख रही थी, तो देखते हैं अभी लेती हूँ या नहीं लेती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे वॉल हैंगिंग्स जो आप देख रहे हैं रेगुलर वाली मिल रही हैं। देन अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे हाथ में जो ये वाला मिरर है ये 1000 रुपीज़ का बोला इन्होंने, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो फॉर अ चेंज कुछ नया देखने को मिला मार्केट में हमें। और इसी शॉप में देख सकते हैं ये प्यारे प्यारे से कैंडल लाइट होल्डर्स मिल रहे हैं जो कि 100 रुपीज़ ईच में ये देने को रेडी थे, तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। किसी कॉर्नर में मतलब इनको एज अ डेकोरेटिव पर्पज़ हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप टी लाइट होल्डर्स लगाओ इसमें या फिर आप इसमें LED वाली जो कैंडल्स आती हैं वो भी लगा सकते हो, तो ये मिल रहे थे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉप, ये थी एक सिरामिक्स वाली शॉप जिसमें यहाँ पे मुझे ये कुशन टाइप का फील आ रहा था इसको देख के, जो ये प्लेट की तरफ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दूर से देख के लग रहा है ना जैसे कोई कुशन होता है,
बट ये एक सिरामिक प्लेटर कह सकते हैं इसको, तो ये वाला था अराउंड 200 रुपीज़ का। इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी थी एंड वेट में भी अच्छा था, ये ज़्यादा हैवी भी नहीं था, ज़्यादा लाइट भी नहीं था। तो इस तरह की कुछ यूनिक आइटम्स आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल जाती हैं हर बार जब भी आप आते हो। उसके अलावा यहाँ पे कप्स, कॉफ़ी मग्स, सूप बाउल्स के सेट आप यहाँ से लेके जा सकते हो। ये देख सकते हैं टर्टल पिगी बैंक यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ही स्टाइलिश एंड बहुत ही क्यूट सा लग रहा था ना, तो इसका प्राइस था 200 रुपीज़। इसके अलावा यहाँ पे ये वाली जो प्लेट्स थी ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी फॉर सर्विंग पास्ता या फिर नूडल्स, काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो ये 80 रुपीज़ की प्लेट दे रहे थे यहाँ पे। ये देख सकते हैं 300 रुपीज़ में ये सेट मिल रहा है जिसमें हैंड वॉश, सोप और आप अपना टूथब्रश वगैरह रख सकते हो, तो 300 रुपीज़ में ये मिल रहा था। देन यहाँ पे ये ब्यूटीफुल लैम्प्स भी मिल रहे हैं जो कि 300-400 रुपीज़ के प्राइस रेंज में आते हैं। देन यहाँ पे उर्लिस के तो बहुत ही अच्छे अच्छे स्टाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शोपीस की भी भरमार मिलने वाली है। सो सब कुछ मैं अपनी ऑडियंस के लिए कैप्चर कर रही हूँ सो दैट जो भी मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं वो वहाँ का लेटेस्ट कलेक्शन इस टाइम पे इंजॉय कर पाएँ। और कुछ प्लान कर रहे हैं अगर अपने घर के लिए बाय करने के लिए तो जाके ले सकते हैं। एड्रेस मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको घाटा विलेज वाली मार्केट नहीं जाना है, आप या तो सेक्टर 58 जाइए या फिर ये जो मार्केट जो मैंने आपको दिखाई है स्प्लेंडर वाली बिल्डिंग के जस्ट ऑपोजिट में आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें जा सकते हैं। सो यहाँ पर इस तरह की आपको प्लेट्स मिल जाएंगी, ये देख सकते हैं, एज अ डेकोरेट पर्पस यूज कर सकते हैं या फिर एज अ सर्विंग पर्पस भी यूज किए जा सकते हैं ये। आई रियली होप गाइज आप लोग मेरे व्लॉग को इंजॉय कर रहे होंगे और ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ये हार्ट शेप में जो है सेट ऑफ 2 ट्रेज मिल रहा है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इस तरह के काफ़ी प्यारे प्यारे प्लेटर्स आप यहाँ से लेके जा सकते हो अपने किचन में डेकोरेट करने के लिए या फिर अपनी क्रॉकरी में डेकोरेट करने के लिए। एंड गाइज इस शॉप में जो भी प्रोडक्ट्स है ना आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब की ही रेंज अराउंड 200-300 रुपीज़। तो गाइज बंजारा मार्केट ना लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं और यहाँ से शॉपिंग करके ले जाते हैं और यहाँ के जो रेट्स हैं ना वो इतने रीजनेबल हैं जिसकी वजह से ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। सो गाइज़ इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉप की तरफ जहाँ पे मुझे बहुत ही क्लासी चीज़ें देखने को मिली फॉर होम डेकोर स्पेशली। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स मिल रहे हैं जो कि काफ़ी यूनिक हैं। इस तरह से आप इनमें ड्रॉअर्स को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, तो एज अ डेकोरेटिव पर्पज़ भी बहुत अच्छे हैं एंड एज अ ऑर्गेनाइजिंग पर्पज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो इनका प्राइस जो था 1000 रुपीज़ था, जो बार्गेन करके आई थिंक 700 में ये दे देते तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर इस तरह के आपको जो है आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, आप इनको एज अ शो पीस यूज़ कर सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, कटलरी मिल रही है यहाँ पे, ग्लासेस मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिली हमें। देन यहाँ पे मैंने ये वाली प्लेट का रेट पूछा इनसे तो ये था 600 रुपीज़। सो गाइज अब मैं आ गई नेक्स्ट शॉप में एंड यहाँ पे मुझे ये सेट ऑफ 2 वाज बहुत ही प्यारा लगा। ऑल दो इसका प्राइस 2000 रुपीज़ बोल रहे थे, ये अगर ये 1000 या 1200 में दे देते तो मैं ले लेती आराम से, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और देन यहाँ पे अगेन ये वाली जो शॉप है इसमें लैम्प्स की रेंज मिल रही है, उसके अलावा आपको इस तरह के टेबल्स मिल जाएंगे जो आप अपने घर में गार्डन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये वाले जो शो पीसेज हैं ये बहुत सुंदर लग रहे थे, ये सेट ऑफ बुद्धा यहाँ पे मिल रहे थे 500 रुपीज़ में। देन वाटरिंग कैंस भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल थी, तो इस शॉप में हमें काफ़ी कुछ पसंद आया। ये जो आउल वाला है ये देख सकते हैं शो पीस, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, तो इसका प्राइस ही बोल रहे थे 900 रुपीज़। देन हमने बार्गेन करने की कोशिश की, फिर कुछ बात बनी तो बताऊंगी मैं आपको जो जो चीज़ें मैं यहाँ से लेकर आई हूँ। देन यहाँ पे जो बड़ा सा हैप्पी मैन जो कहते हैं इसको, तो ये मिल रहा था, ये काफ़ी बड़ा था तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी घर में, बट ये बहुत अच्छा लग रहा था। देन आपको इस तरह के बुद्धा मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत ही प्यारे प्यारे। सो इसके बाद अंदर गए जब शॉप में तो यहाँ पे और भी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाई दी, तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे शॉप। ऑलमोस्ट ये लास्ट शॉप थी इस मार्केट की,
देन गाइज हम लोग निकल लिए सेक्टर 58 के लिए। तो ये लेफ्ट साइड में जो मार्केट है यहाँ से ये वाली ख़त्म होती है एंड देन हम पहुँच गए सेक्टर 58 और वहाँ पे जाके हमें देखने को मिली कुछ और शॉप्स। एक्चुअली हम लेट हो गए थे तो हम ज़्यादा नहीं घूम पाए यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे ऑलरेडी हमें 8 बज चुके थे। तो ये वाली जो शॉप है ये काफ़ी फेमस है, यहाँ पे आपको बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइंस मिलेंगे, आपको वाटर फाउंटेन्स मिल जाएंगे बुद्धा वाले अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज़ में। और ये जो क्लॉक थी तो बहुत ही अल्टीमेट थी, ये टू वेज थी, मतलब इस साइड पे भी क्लॉक है, इसकी ऑपोजिट साइड में भी क्लॉक है। तो इसका प्राइस भी ये बोल रहे थे 3,500 रुपीज़, जो कि मतलब वैसे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा था मुझे, सो बट ये बार्गेन यहाँ पे खूब करना होता है इसीलिए थोड़े से एक्स्ट्रा करके बताते हैं। तो ये काफ़ी फेमस शॉप है एंड देन यहाँ पे ये देख सकते हैं ऊपर बर्ड्स वाले हैंगिंग्स मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन यहाँ पे आई हुई है। ये दूसरी क्लॉक थी जो कि थी 2,000 रुपीज़ में। देन यहाँ पे लैम्प्स की भी अच्छी रेंज मिल जाएगी आपको। तो गाइज़ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम काफ़ी लेट हो गए थे तो हम इस मार्केट में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ये वैसे भी बंद हो रही थी इस टाइम पे। तो देखते हैं कभी और जाएंगे तो ज़रूर यहाँ विज़िट करेंगे। फ़िलहाल हमारी शॉपिंग हो चुकी है और बस इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों ने व्लॉग इन्जॉय किया होगा। इनके इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। सो गाइज़ चलिए मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ख्याल रखिए। शॉपिंग हॉल व्लॉग बहुत ही जल्दी आने वाला है, क्या क्या मैंने बंजारा मार्केट से लिया है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, लव यू ऑल, बाय गाइज। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।